उकाड़ा अदालत के अंदर असला और छुरियां और चाकू किस तरह पहुंचे, और वो भी उस वक्त जब उकाड़ा के दो अहम और दुश्मनदार ग्रुप अदालत में पेशी के लिए मौजूद थे। इस तमाम तर साजिश से पुलिस बेखबर थी या पुलिस की मिली भगत शामिल थी, और अब ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर सिर्फ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं या किसी खुफिया तरीके से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की साजिशें भी कर रहे हैं। ये तमाम तर मालूमात जानेंगे आप आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस मौसूल होती रहें। चौधरी मसूद शफकर रबेरा, जो कि उकाड़ा तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक MPA हैं। रबेरा ख़ानदान उकाड़ा का बहुत बड़ा जागीरदार घराना है। उकाड़ा से चौधरी मसूद शफकर रबेरा के चचाजाद भाई चौधरी नदीम अब्बास रबेरा MNA हैं। चौधरी मसूद शफकर रबेरा मशहूर दुश्मनदार और सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी शफकत अब्बास रबेरा के फरजंद हैं। चौधरी मसूद शफकत 13 जुलाई 2021 को उकाड़ा अदालत में पेशी के लिए आए थे। वो मुकदमा मियां अब्दुल रशीद बूटी, जो तहसील सदर मुस्लिम लीग काफ ने कायम कर रखा था। दोनों ग्रुप इससे पहले 23 अप्रैल 2021 को भी शदीद झगड़े का शिकार हो चुके हैं, और उसी झगड़े की गुस्से की बिना पर मियां अब्दुल रशीद का बेटा मियां नुमान रशीद बूटी अपने ज़राए और पैसे का इस्तेमाल करते हुए अहाता अदालत में मुतद्दिद पिस्टल और छुरियां, अपने प्राइवेट गुंडे भी साथ लाया था। उस दिन मियां अब्दुल रशीद बूटी और मसूद शफकर रबेरा की अदालत में पेशी थी। मसूद शफकर रबेरा अपने कई साथियों के हमरा अदालत के अहाता में मौजूद थे, ताहम पेशी में अभी कुछ वक्त था। मियां नुमान रशीद के लाए हुए प्राइवेट गुंडे छुरियों से वार करते हुए मसूद शफकर रबेरा और उसके साथियों पर झपट पड़े और 6 लोगों को छुरियों से मजरूब कर दिया। रबेरा ग्रुप ने भी बहादुरी का मुजाहरा किया और बूटी ग्रुप के लोगों को उन्हीं की लाई हुई छुरियां छीन कर उन्हीं पर हमला कर दिया। उकाड़ा की दो मशहूर और बड़ी पार्टियों में लड़ाई और अहाता अदालत में होने की वजह से पुलिस फौरन हरकत में आ गई। DPO उकाड़ा ने फौरन नोटिस लिया, जो कि सरासर बूटी ग्रुप के मफाद में गया। इस वाक़े की FIR दफ़ा 506B के तहत दर्ज की गई, जो कि महज धमकी देने के ज़मरे में आती है, और मियां अब्दुल रशीद बूटी ग्रुप की FIR के नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में ना लाई गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि DPO की असलाह फ्राहम करने और अदालत के अहाते में गुंडागर्दी करवाने में अमल दखल है। इन्हीं वजूहात की बिना पर मसूद शफकर रबेरा ने DPO उकाड़ा की मौतली का मुतालबा कर दिया और शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। मजीद इन दो ग्रुपों की लड़ाई मुस्तकबिल करीब में ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। मजीद अपडेट्स इन दोनों ग्रुपों की और मजीद पाकिस्तान की बड़ी दुश्मनियों और बड़े वाक़ियात की खबरें हम आपको बर वक्त पहुँचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।